Again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue our topic Bangladesh War 1971 of your chapter New Foreign Policy. Okay, so now after months of diplomatic tensions and military buildup, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. ठीक है, अगस्त में अब क्या कर रहा था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे. पाकिस्तान क्या कर रहा था, बांग्लादेश को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश में एंट्री होने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, उस टाइम पे काफी नेवी अटैक्स, आर्मी अटैक्स, इवन एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स का भी अटैक जो है पाकिस्तान करने लग चुका था. सो जो एक फुल फ्लेश्ड वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ, 1971 में हुआ, क्योंकि इंडिया जो है अब बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को लिबरेट करवाने की कोशिश कर रहा था. तो इंडिया और पाकिस्तान में उस टाइम पे वॉर आ गया था. पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान, दे मेड अ स्ट्रैटेजी कि अब जो मिलिट्री है, ठीक है, जो मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है, वो सब बांग्लादेश के साइड में, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, ईस्ट जो पाकिस्तान के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था, कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी जो भी है वो वहां पे सेटल्ड है. तो हम इंडिया को क्या करते हैं, पंजाब, राजस्थान, जितने भी बॉर्डर्स लगते थे पंजाब के साइड से, राजस्थान के साइड से, गुजरात के साइड से, वहां पे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था. एयरक्राफ्ट अटैक्स चल रहे थे, ठीक है, एंड वो फर्दर उस टाइम पे क्या हो रहा था, जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है हमारी आर्मी मूव कर रही थी, और धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी भी जम्मू एंड कश्मीर में के साइड अटैक कर रही थी. तो चारों तरफ से पाकिस्तान ने इंडिया पे क्या कर दिया था, एक अटैक कर दिया था. India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and the Army on both the Western and the Eastern Front. अब इंडिया जो है, इंडिया ने अपनी एयर फोर्स, मिलिट्री, नेवी सबको लगा दिया था, ठीक है. अब वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न फ्रंट से, ईस्टर्न फ्रंट से, सब साइड से क्या है, इंडिया पे अटैक हो रहे थे. तो इंडिया ने भी क्या है, अपनी मिलिट्री, नेवी, आर्मी सबको इन्वॉल्व कर लिया. Welcomed and supported by the local population. इसमें जो सबसे main support जो रहा था ना, वो locals का रहा था, जो बांग्लादेशी locals थे ना, उनका बहुत ज्यादा support रहा. Because they knew कि इंडिया हमें capture नहीं करेगा, इंडिया हमारी help कर रहा है. तो locals का बहुत ज्यादा support रहा. जब इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री बांग्लादेश में जब ढाका तक पहुंच गई, ढाका तक उन्होंने, ढाका को क्या है, तीनों साइड से उन्होंने क्या कर लिया था, सराउंडेड कर लिया था, ठीक है, फॉर देयर प्रोटेक्शन. तो लोकल पॉपुलेशन ने इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी की बहुत ज्यादा हेल्प की थी उस टाइम पे. अबाउट 90,000 soldiers पाकिस्तानी soldiers had to surrender. And when India did this, when Indian army did this, when they surrounded Dhaka from three sides within 10 days, तो इतनी बड़ी पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो मिलिट्री, जो आर्मी थी, 90,000 की जो आर्मी थी, उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया. और ये बहुत बड़ी बात है कि 90,000 soldiers ने अपने आप को बोल दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हम वॉर नहीं करेंगे. सो विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर. अब देखिए, अब बांग्लादेश सरेंडर के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश एक फ्री कंट्री बन चुकी थी और इंडिया ने एक सीज फायर डिक्लेयर किया था. क्या डिक्लेयर किया, द साइनिंग ऑफ द शिमला अग्रीमेंट. अब शिमला अग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ऑन जुलाई थर्ड 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, इन दोनों के बीच में शिमला अग्रीमेंट हुआ और बांग्लादेश जो है एज अ फ्री कंट्री, ठीक है, बांग्लादेश एक फ्री कंट्री जो है एस्टैब्लिश हो चुकी थी. So and they formalized the return of peace, और उन्होंने peacefully जो है contract sign किया और peace को encourage करने का, peace को establish करने का जो है वादा किया. So a decisive victory in the war led to national jubilation.
Most people in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military prowess. ठीक है, अब ये जो victory थी, ठीक है, this victory was seen as this was a very decisive victory and ये जो war था nationally, ठीक है, सब लोगों में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई जो है आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड इंडिया ने जो है 62 का वॉर जो है चाइना से उसमें उनकी हार हो चुकी थी। 1965 में इंडिया जीत गई थी बट वो फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं था, तो ये इतनी बड़ी लड़ाई इंडिया ने जीती तो पूरे कंट्री में बहुत ज्यादा जो था बहुत ज्यादा खुशी थी। इट वॉज द फीलिंग नेशनली दे वर वेरी हैप्पी, ग्रेट हैप्पीनेस वॉज देयर। मोस्ट पीपल इन इंडिया सॉ दिस एज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी, ठीक है, अब मोमेंट ऑफ ग्लोरी था। अब इंडिया को इंडियन उस टाइम पे क्या हो रहा था, 1967 के टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, अब ब्रेक हो रही थी। बहुत सारे जो रीजनल लीडर्स थे, बहुत जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीव कर रहे थे, ठीक है, खुद की पार्टी की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे क्या हो चुकी थी, बहुत ज्यादा डिमोरलाइज बोल दो या फिर बहुत ब्रेक हो रही थी। तो जब 1971 में जब ये वॉर हुआ और ये जो विक्ट्री हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से जो है क्या है, एक पावर में आने लग गई थी। सो इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री, अब इंडिया को लग रहा था कि हम भी मिलिट्री, हमारी मिलिट्री भी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, हमारी मिलिट्री डेवलप कर रही है। सो इंदिरा गांधी's पर्सनल पॉपुलैरिटी सोर्ड फर्दर आफ्टर द 1971 वॉर। बोलते हैं ना दे रीगेन द विक्ट्री, ठीक है, अब जो डाउनफॉल था वो वापस से क्या हो रहा था, फॉल इंक्रीज हो रहा था 1971 के वॉर के बाद। आफ्टर द वॉर असेंबली इलेक्शंस इन मोस्ट स्टेट्स टुक प्लेस ब्रिंगिंग लार्ज मेजोरिटीज फॉर द कांग्रेस पार्टी इन मेनी स्टेट्स। असेंबली इलेक्शंस हुए थे, स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी की जो है उस टाइम पे वापसी थी, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस ने अपनी पार्टी बना ली थी। सो इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। अब यहाँ पे इंडिया ने मिलिट्री को अपने डिफेंस को तो स्ट्रॉन्ग कर लिया था बट जो प्लानिंग थी, डेवलपमेंट प्लानिंग, इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, इफेक्ट हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स डीरेल्ड द 5-year प्लान। एज यू नो जो 4th प्लान था, ठीक है, वो टाइमली इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। 3 years का एनुअल प्लान लॉन्च करना पड़ा था 67, 68, 69 में, एक प्लान हॉलीडे चला गया था। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे नेबर्स, चाइना के साथ 1962 में रहा, पाकिस्तान के साथ रहा 1965 में, और फिर जो स्कर्मिश वॉर्स भी चल रहे थे पाकिस्तान के साथ, ठीक है, थोड़े थोड़े चाइना के साथ, इससे क्या हुआ, जो ये 5-year प्लान में जो बजट था वो बजट प्रॉपर नहीं रह पाया क्योंकि जो रिसोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा स्कार्स रिसोर्सेस थे एंड उन रिसोर्सेस को डिफेंस सेक्टर में जो है स्पेशली आफ्टर 1962 जो चाइना ने जब अक्साई चीन को अपने अंडर कर लिया था उस टाइम, उसके बाद में क्या किया था, ये जो डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कार्स रिसोर्सेस का यूसेज डिफेंस सेक्टर के लिए करना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया हैड टू एम्बार्क ऑन अ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। अब इंडिया क्या कर रही थी, अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है टू बिगिन, ठीक है, इंडिया स्टार्टेड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की मिलिट्री को मॉडर्न बनाना है उसका, उसके मॉडर्नाइजेशन में उसने, इंडिया ने क्या कर दिया था, मिलिट्री को मॉडर्न बनाने में, मॉडर्न बनाना स्टार्ट कर दिया था। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1962। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 1962 में हुआ था, एट दैट टाइम डिफेंस मिनिस्टर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है, एंड इस टाइम पे क्या हुआ था, जो ये नेशनल डिफेंस प्रोडक्शन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी वेपन्स हैं, ठीक है,
वेपन्स हैं, कुछ सिस्टम्स बनाने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, जो भी मिलिट्री को डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन उन्होंने एस्टैब्लिश किया। आफ्टर दैट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था नवम्बर 1965 में। एंड इस वजह से हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान तो इफेक्ट हुआ ही था, साथ में ही फोर्थ फाइव ईयर प्लान भी टाइमली रीलॉन्च नहीं हो पाया, इनिशिएट नहीं हो पाया। बट 1969 में अगेन फोर्थ प्लान स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, इनिशिएट हो चुका था। सो इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज इनॉर्मसली आफ्टर द वॉर्स। वॉर्स के बाद जो इंडिया का डिफेंस बजट था, डिफेंस जो था एक्सपेंडिचर, वो काफी इंक्रीज होते जा रहा था टाइम टू टाइम। सो आफ्टर दिस 1971 वॉर, देयर एक और भी छोटे छोटे वॉर्स जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी चलते रहे, ठीक है। अब इसी के एक जो फेमस कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन था, ठीक है, वो क्या था, कारगिल कन्फ्रंटेशन या फिर कारगिल वॉर, ठीक है। अब कारगिल में सबने सुना होगा 1999 में कारगिल वॉर है, बहुत सारी मूवीज बन चुकी है, बहुत लाइक कारगिल एलओसी पे काफी कुछ लाइक डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी है, काफी आर्टिकल्स आ चुके हैं। सो इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1999 सेवरल पॉइंट्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलओसी इज द माशको, द्रास, कक्सर एंड बाटा लेक एरियाज वर ऑक्यूपाइड बाय फोर्सेस क्लेमिंग टू बी मुजाहिदीन्स। मुजाहिदीन्स आप सिंपल टर्म में समझ लीजिए, मुजाहिदीन्स टेररिस्ट को कहा गया है, ठीक है, जो जिहाद की बात करते हैं, आप सिंपल टर्म में समझ लीजिए मुजाहिदीन जो है टेररिस्ट के लिए बोला गया है। सो 1999 में क्या हुआ था, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता है जो जो ये सपोज ये उस टाइम का जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, ठीक है, लेट मी शेयर, यस जस्ट लुक एट दिस मैप, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये वाला जितना भी एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, वी कॉल दिस एरिया एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान इसे क्या कंसिडर करता है, आजाद कश्मीर। अब लाइन ऑफ कंट्रोल्स के आगे कुछ एरिया है, कौन कौन से, माशको, द्रास, कक्सर, तो यहाँ के कुछ जो लोकलाइट्स हैं उनका ब्रेन वॉश करके क्या किया जा रहा था, इन एरियाज को ऑक्यूपाई किया जा रहा था, और ये जो एरियाज जो ऑक्यूपाई कर रहे थे वो कौन थे, ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये मुजाहिदीन थे, ये टेररिस्ट ग्रुप था जो इन एरियाज को कैप्चर कर रहा था, ठीक है, स्पेशली जो यहाँ की पीक्स हैं, ठीक है, उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी। सो सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, इंडियन फोर्सेस स्टार्टेड रिएक्टिंग टू इट्स ऑक्यूपेशन। अब पता चलने लग गया था कि ये जो मुजाहिदीन है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसको कौन सपोर्ट कर रही है, इसको पाकिस्तानी आर्मी जो है इसमें इन्वॉल्व है और सपोर्ट कर रही है, तो और इस चीज को देख के इंडियन फोर्सेज ने क्या किया था, दे स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दिस ऑक्यूपेशन, उन्होंने इसके अगेंस्ट में जो है आर्ग्यू किया, वॉर किया, एंड दिस लेड टू, वॉर नहीं बोलेंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया था, दिस लेड टू ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। इसके अगेंस्ट में, इसके जो पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था, इसके अगेंस्ट में उन्होंने रिएक्ट किया, और इस वजह से क्या हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में कन्फ्रंटेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट आप बोलोगे, हम फुल फ्लेश्ड वॉर नहीं बोलेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्रंटेशन ही टर्म यूज करेंगे, क्योंकि इट वॉज नॉट अ प्रॉपर फुल फ्लेश वॉर नहीं था ये, तो कन्फ्रंटेशन चलने लग गई थी, दोनों कंट्रीज के बीच में फाइट्स स्टार्ट हो चुकी थी, एंड दिस इज नोन एज द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। दिस कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग मे एंड जून 1999, एंड बाय जुलाई 26, 1999 इंडिया हैड रिकवर्ड कंट्रोल ऑफ मेनी ऑफ द लॉस्ट पॉइंट्स। इंडिया ने जुलाई 26, 1999 बहुत सारी ऐसी पीक्स, बहुत सारे ऐसे एरियाज जहाँ पे इंडिया ने अपना कंट्रोल
लूज कर दिया था एट दैट टाइम. काफी जो मुजाहिदीन थे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया था, एलओसी के साइड में अपने अंडर ऑक्यूपाई कर लिया था. एंड एट दैट टाइम इंडिया रिकवर्ड दोस लॉस्ट पॉइंट्स. And the Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that, both India and Pakistan had attained nuclear capability. Okay, 1998 में जो है अभी हम हमारा जो next topic है nuclear, India's nuclear policy का ही है. India ने अपना first nuclear weapon test किया था in the year 1974 and in the year 1998. इंडिया ने एक 3 न्यूक्लियर वेपन्स को फिर से टेस्ट किया था पुष्कर, राजस्थान में ही पुष्कर में ही टेस्ट किया था. और पाकिस्तान ने भी जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है शो कर दी थी. सो वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये अटेंशन था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, दोनों के अंदर ही न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है. सो However, this conflict remained confined only to the Kargil region. जो ये जो region था, ये जो conflict था, Kargil region तक ही रहा, आगे नहीं पहुंचा, ठीक है? और जो areas थे जम्मू एंड कश्मीर के, वहां पे नहीं पहुंचा. In Pakistan, this conflict has been the source of a major controversy, as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark by the Army Chief. ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हुआ था, ये पाकिस्तान में काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट काफी कंट्रोवर्शियल इश्यू रहा. एंड इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके, उनको क्या कर लिया था, प्राइम मिनिस्टर आई थिंक क्या नाम था, पाकिस्तान परवेज मुशरफ, जनरल परवेज मुशरफ तो जनरल आर्मी के चीफ थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, बट जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे आर्मी चीफ ने, मिलिट्री, अगेन मिलिट्री रूल आप बोलोगे, जो आर्मी चीफ थे, ठीक है, जनरल परवेज मुशरफ उस टाइम पे लेड कर रहे थे. और उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है, उनके मतलब बस की कुछ नहीं है, लाइक दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. और अगेन उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को लाइक उनके हाथ में बहुत ही कम पावर रहती थी, एंड आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान था उसको टेक ओवर कर चुके थे. एंड इवन पाकिस्तान आर्मी को भी उन्होंने क्या कर लिया था, वो लेड कर रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने लेड किया, ठीक है, टेक ओवर कर लिया था. सो दिस इज ऑल अबाउट कारगिल कॉन्फ्रंटेशन. बहुत ज्यादा डिक्टी नहीं है आपका ये टॉपिक, ठीक है, इतना ही पार्ट है आपका. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. As you all know, न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है, हमने कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर है आपका, आपकी बुक वन में, इंडिया कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में द कोल्ड वॉर एरा में हमने काफी ट्रीटीज, हाँ, नवाज शरीफ, एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वॉज नवाज शरीफ बेटा, ठीक है.